तो आज क्यों मुंह उठा के चले आए हो? जज साहब, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो हॉस्पिटल जाइए ना, कोर्ट क्यों आए? अरे जज साहब, कोठा का मामला, तो कोठे ही ना आएंगे। इसकी मौका। अरे क्या कर रहे हो? एमओटी तीन बार समझा चुका हूं, कोठा नहीं कोर्ट होता है। तेरी महतारी के अगर मैं संस्कारी घर से ना होती तुझे बताती। चुप करिए आप कह रहे थे कि आपका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। हाँ जज साहब, इसके बाप ने हमें धोखा दिया है। धोखा नहीं दिया जज साहब, दहेज दिया है। 1.5 लाख रुपए नकद और हीरो लौंडा दिया है। गमारी नहीं तो हीरो लौंडा नहीं, हीरो का अंडा होता है। अरे ठीक है, ये बताइए शादी हो कितना साल हो गया है? जज साहब पूरे 3 साल। नहीं जज साहब, 3 दिन। बताइए जज साहब, मूर्ख रहे लोग, क्या 3 दिन में लड़का पैदा होता है? सही कह रहे हैं आप, 3 दिन में बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता है। वही तो, कम से कम मुझे 4 दिन तो दे बच्चा पैदा करने को। अरे जज साहब, ये तो 4 दिन परेशान है, मैं सुहागरात वाले दिन 5 दिन दी थी, ये हो गया था। यस बेबी यू आर राइट। जज साहब एक मिनट रुकिएगा। फूफा, यस बेबी। तेरी मैया की बेबी कैसे बोला बे? आई एम सॉरी बेबी। तेरी मां का फोन यहां से। अरे आधा भाई मत करिए आप, मुझे पता है आपका बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा जज साहब? क्योंकि आपने अपने बाप का दूध नहीं पिया। क्या कहा? मूत? वही बाप का। अरे मूत नहीं, दूध। जैसे हमारे यहाँ दूध नहीं देते, आप क्या देते होंगे? अरे गधे, मैं पैकेट वाले दूध की बात कर रहा हूँ, जो दूध की डेयरी में मिलता है। हाँ समझ गई। कम से कम आप समझ तो गई। वैसे आपने माथे बिंदी क्यों लगाई? क्यों, आप क्या पोथम लगाते हैं क्या? यू आर राइट बेबी, आई लव यू। चलो तेरी मौत।